हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करछि समस्ते भलरे थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पै प्रिपरेशन जोरसोरे चलैथिबो। आजिर मैथ क्लास रे आमे एचसीएफ आउ एलसीएम रो आउ बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रो जेतला ताको डिस्कशन करबा। आजिरटा होछि तमरो थ्योरी रो माने कंटेंट पार्ट रो जो जति कि सब थ्योरी एचसीएफ एलसीएम रो तार लास्ट आउ दिटा क्लास रे आमे कोन करबा ना एचसीएफ एलसीएम रिगार्डिंग वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आगुरो तमरो नंबर सिस्टम कंप्लीट हे जैछे रे चैप्टर नंबर 2 एचसीएफ एलसीएम भी 2 दिन भितरे कंप्लीट हे जइबो। ओके, जो मैंने भी प्रीवियस क्लास गुड़ा को देखी ना चैनल और प्लेलिस्ट को पढ़े से तुमको मैथ्र पेडागोजी भी फर्स्ट यूनिट अदा कंप्लीट होती और मैथ्र कंटेंट पार्ट पूरा कंप्लीट होती है यहाँ तुम सेकंड चैप्टर टा। ठीक अच्छे, तो चलो आज डिस्कशन स्टार्ट करवा। आज कौन डिस्कशन करवा, आम एवे जाए कौन कौन डिस्कशन कलु, आम डिस्कशन सब फैक्टर केमती कढ़ाब डिस्कशन कर सरला, तुम एच सी एफ एलसीएम डिफरेन्ट डिफरेन्ट मेथड कंप्लीट है। आज आम कौन करवा डिस्कशन करवा ना तुम एलसीएम एंड एच सी एफ अफ फ्राक्शन। धर जब तुमको फ्राक्शन गुड़ा देखिए तेज तार नर्माल तो तुम इंटीजर थी तुम आराम से एच सी एफ एलसीएम काढ़ दबो, किंतु तुम धर जो क्वेश्चन से देखिए धर जो फ्राक्शन फॉर्म रे, फ्राक्शन कहले कौन मैंने तुम रेशनल फॉर्म रे, मैंने धर जो तुम अच्छी ए बाय बी संख्या देव, नेक्स्ट ए बाय बी रेशनल नंबर दे थो, सी बाय डी दे थो, नेक्स्ट तुम ई बाय एफ दे थो, तेज एभर जब टाइप अफ क्वेश्चन थे तेज तार एच सी एफ आउ एलसीएम केमती काढ़ा। ओके, तो ये लिखी दूसरी देख कौन ना तुम एलसीएम अफ फ्राक्शन। ओके, एलसीएम ऑफ जो फ्रैक्शन तुम्हें केमती काढ़ ना सिंपली कौन कर ना तुम इक्वल्स टू जस्ट सेकेंड इक्वल टू कौन हो तुम एलसीएम ऑफ कौन ना जी ऊपर गुड़ा अच्छी माने कौन एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कौन हो तुम एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमी नेटर। ओके, नेक्स्ट एटा होगा तुम कौन ना एलसीएम एलसीएम काढ़ तुम फर्मूला ता मैंने कौन हो तुम्हें सिंपली कहार एलसीएम काढ़ धर जो तुम ये तुम रेशनल नंबर गुड़ा दे बाय बी सी बाय डी ई बाय एफ दे आउ गोटे लिखी दूसरी मुझे जि बाय एच। ओके, देन तुम एलसीएम कौन हो कहार कहार एलसीएम नेबार अच्छे ना न्यूमेरेटर मैंने कौन एलसीएम ऑफ ए सी ई एंड जी डिवाइडेड बाय कौन हो ना एचसीएफ ऑफ कहार ना तुम बी डी एफ ए एफ एच बुझा पड़ा ना एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन केमती काढ़। नेक्स्ट आम कौन डिस्कशन करार अच्छे ना आमर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन धरा जाओ तुम फ्रैक्शन दे तेबे एचसीएफ केमती काढ़ तो कौन कर ना फर्स्ट एचसीएफ अच्छी मैंने ऊपर रख एचसीएफटा तो कौन हो गला एचसीएफ ऑफ न्यूमेरेटर। ओके, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय कौन ना तुम एलसीएम ऑफ डिनोमी नेटर डिनोमी नेटर। ओके, ता मैंने कौन हो तुम एच सी एफ कहार काढ़ ना ए सी ई आउ जी रो कौन ना डिवाइडेड बाय कौन हो तुम एलसीएम कहार काढ़ ना तुम बी डी एफ एच क्लीयर ना कहार किसी कन्फ्यूजन ना तो कौन आम डिस्कसन करूँ ना एलसीएम अफ फ्रैक्शन कौन हो ना एलसीएम ऑफ न्यूमेरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर एंड नेक्स्ट वन कौन ना तुम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कौन हो ना एचसीएफ ऑफ न्यूमेरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एबे किसी क्वेश्चन सॉल्व करवा से रिगार्डिंग लेट ये गोटे क्वेश्चन मुझे लिखुची धर जो तुमको देखिए कौन ना गोटे रेशनाल नंबर गुड़ा देखिए एचसीएफ आउ एलसीएम काढ़ तो तुम कौन अच्छी ना फर्स्ट आम काढ़ कौन ना ये धर जो अच्छे तुम एलसीएम ऑफ कहार काढ़ ना एलसीएम ऑफ 72 डिवाइडेड बाय 250 आ गोटे आसला तुम 126 डिवाइडेड बाय 75 आ गोटे आसला तुम के 162 डिवाइडेड बाय 165। तो देख जिते बड़े भी तुम रेशनल नंबर गुड़ा थी ना सब बड़े ट्राए कर सब बड़े कौन ना सिंपलेस्ट फॉर्म को फर्स्ट कन्वर्ट कर देन फॉर्मूला रे पुट कर। तो ये देख जदि मुझ कौन ना 72 डिवाइडेड बाय 250 को जब मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म रे करुच्ची या सिंपलेस्ट फॉर्म रे कले के दिस विल गिव्स यू तुम कैसे 20 ओके के 30 ओके के 36 डिवाइडेड बाय 125 करेक्ट। नेक्स्ट तुम जो फ्रैक्शन टा अच्छे 126 डिवाइडेड बाय 75 ताको कले कौन आसो तुम या जब मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म को आने तो कैसे आसीगला तुम 42 डिवाइडेड बाय 25 करेक्ट। नेक्स्ट आमर कौन अच्छी ना 162 डिवाइडेड बाय 165 या जब मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म को आणुची तो कैसे आसी जाऊँगी तुम एटा भी 93 डिविजिबल होटा भी तुम 3 डिविजिबल होम 54 डिवाइडेड बाय
55 एति जें के कारि किछि कन्फ्यूजन नै हमको क्वेश्चन ने कोन पछि छिना एलसीएम ऑफ ऑफ ए तीनटा फ्रैक्शन रो तो यार सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखला पर लास्ट कोनी गला तमरो एलसीएम ऑफ एलसीएम कहारो ना तमरो 36 डिवाइडेड बाय 125 नेक्स्ट असला तमरो 42 डिवाइडेड बाय 25 नेक्स्ट असला कोन तमरो 54 डिवाइडेड बाय 55 ओके देन कोन हिजबो तमरो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ता माने कोन एलसीएम ऑफ 36 42 एंड 54 डिवाइडेड बाय कोन हिजबो डिवाइडेड बाय तमरो एचसीएफ ऑफ 125 नेक्स्ट 25 एंड 55 करेक्ट एलसीएम एचसीएफ एबे आराम से काढ दे परबो तो यार एलसीएम काढले ओके ए साइड रे मु कर दउ छी एठी फोटो बॉक्स करके कर दबा सेपटा आउट एग्जांपल टे करबा ठीक अछि तबर कोना एलसीएम काढिया रछि कहारो 36 नेक्स्ट असला तमरो 42 देन असला तमरो 54 ओके फर्स्ट याकू करो 2 रे सब गुडे डिविजिबल हि जबो 2 रे कले केते असला तमरो एटा से गला 18 देन असला 21 देन एटा हि जबो तमरो 27 ओके 27 अगेन एटा कोते डिविजिबल हि जबो 3 रे 3 रे कले केते असला 3 एठी असला 6 देन 7 देन एटा हे गला तमरो 9 अगेन 3 रे कले केते असला 3 रे कले हे गला तमरो 2 3 7 रे डिविजिबल होनी तो 7 एज इट इज तोड़ को आसीला देन 3 रो एटी क्वेश्चन आसी गला तमरो 3 ओके एबे तमरो कोना एलसीएम काढबार छि तो एलसीएम कोले कोन सब गुडा को सिंपली मल्टीप्लाई कर दबो तो मल्टीप्लाई कोले केते आसीला ना मल्टीप्लाई कोले आसीबो तमरो 756 तो दैट इंप्लाइज कोन हेगला ना एलसीएम ओके जस्ट अ सेकंड एको बॉक्स तो कंप्लीट हां तो एठी कोन लिखिबे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर केते आसीबो ना एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर आसी गला 756 डिवाइडेड बाय एचसीएफ देखो एटा कोटु सब माने को संख्या एटा सब गुडा को डिवाइड करबा ना ओनली 5 टा ही ठीक अछि तो एटा केते आसी गला ना डिवाइडेड बाय 5 सो वी कैन राइट दैट एलसीएम ऑफ 72 डिवाइडेड बाय 250 126 डिवाइडेड बाय 75 एंड 162 डिवाइडेड बाय 165 इज इक्वल्स टू 756 डिवाइडेड बाय 5 क्लियर ने ती जे याकू तमे मिक्स फ्रैक्शन रे भी कर पारो किछ असुविधा नै मिश्र भग्नांश रे कले केते आसला तमरो 151 होल 1 बाय 5 ओके क्लियर समस्ते एबे गोटे संख्या रे हमें एचसीएफ काढबा तो एटा एलसीएम रे केमती कढाला समस्त को बुझा पडला एबे आ गोटे एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 रे तमको कोन कहि छी ना फाइंड द एचसीएफ ऑफ एचसीएफ कहार कहार काढिबार अछि ना तमरो 36 डिवाइडेड बाय 51 एंड आ गोटे मिक्स फ्रैक्शन रे दे दउ छी ओके 3 होल 9 बाय 17 रो ओके तो एबे देखो तो कोना जदी 36 को फर्स्ट स्टेप कोन थिला जदी तारो सिंपलेस्ट फॉर्म करी हो जी तो फर्स्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म रे कन्वर्ट करबा देन तापर हम फार्मूला रे पुट करबा तो याकू देखो 36 बाय केते अछि ना तमरो 36 बाय 51 36 बाय 51 को कले केते आसला तमरो एटा कले आसला तमरो 12 एटा कले आसला तमरो 2 एठी 7 ओके 12 बाय 27 ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट कोन ना याकू देखो आउ कौन करियो याकू मिक्स फ्रैक्शन डाकू फर्स्ट फ्रैक्शन रे कन्वर्ट कर दियो फ्रैक्शन कले केते आसला तमरो दिस विल गिव्स यू 3 होल 9 बाय 17 ओके एडा 1 होबो एडा केते हिजबो तमरो 3 रे 1 होबो ना ए 17 होबो ओके तो केते आसला ना 12 बाय 17 नेक्स्ट देखो याकू जदी मु मिक्स फ्रैक्शन डाकू फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करची तो केते आसला एटा हेगला तमरो 60 डिवाइडेड बाय 70 ओके एबे हमको कोन काढिबार अछि ना एचसीएफ ऑफ HCF of कहारो ना 12 by 17 आउ कौन ना 60 by 17 तो तारा फॉर्मूला कौन थिला तमरो HCF रो फर्स्ट HCF of न्यूमेरेटर ता माने कौन 12 आउ 16 रो HCF काढिबो डिवाइडेड बाय कौन ना LCM of केते ना 17 कॉमा 17 ओके एचसीएम ऑफ कोन ना डिनोमिनेटर तो एचसीएफ यार केते आस जीवो एचसीएफ 12 आउ 16 कले आस जीवो 12 यार तो एलसीएम आसी गला 17 सो द एचसीएफ ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 51 एंड 3 होल 9 बाय 17 इज इक्वल्स टू 12 बाय 17 आई होप समस्तनको बुझा पडला तमरो जदि फ्रैक्शन नंबर दिजे केमती कि तारो एचसीएफ आउ एलसीएम काढिबो एटा रहला तमरो एलसीएम रो एग्जांपल ता एटा रहला तमरो एचसीएफ रो एग्जांपल ता क्लियर ना समस्ते कहारी किछि भी कन्फ्यूजन नै जोटा टिके भी डाउट हबो डेफिनेटली तम माने कमेंट सेक्शन रे आराम से लेखि कि जणेबो ठीक अछि एबे नेक्स्ट नेक्स्ट कोन हम डिस्कशन करबा जस्ट अ सेकंड ओके नेक्स्ट हमें कौन डिस्कशन करबा ना एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर धरा जो तुमको डेसिमल नंबर दीची तेबे से जगह रे केमती की तारो एचसीएफ आउ एलसीएम काढिबो कोन छी फर्स्ट देखो धरा जो तमरो जो डेसिमल नंबर ता दे थिबो
डेसिमल नंबर टा जो दे थोड़ा फर्स्ट कौन कर ना फ्रैक्शन रे कन्वर्ट कर फ्रैक्शन रे कन्वर्ट कर सारा पर कौन हम ना फ्रैक्शन रे कर सारा पर जमी प्रीवियस फॉर्मूला पुट कर पुट करदेव गोटे एग्जांपल टे सॉल्व करवा फॉर एग्जांपल धर जो तुमको क्वेश्चन रे कौन देखिए ना एग्जांपल तुम क्वेश्चन दे कौन ना एलसीएम ऑफ कहार कहार एलसीएम काढ़ार अच्छी ना 3.6 रो नेक्स्ट हो गला 1.2 रो आ गोटे हो गला तुम 4.8 रो फर्स्ट स्टेप कौन थी आम सब गुड़ाक आम कौन करवा ओके फर्स्ट स्टेप कौन थी आम सब गुड़ाक आम कौरे कन्वर्ट करवा ना तुम फ्रैक्शन रे तो 3.6 को कले के आसला तुम 36 बाय 10 नेक्स्ट के तुम 1.2 को कले के आसला तुम 12 बाय 10 नेक्स्ट 4.8 को कले के आसला तुम 48 बाय 10 एति की जाके क्लियर आमको कौन कही ना एलसीएम तो कौन आसला तो एलसीएम रो कहार कहार 36 बाय 10 नेक्स्ट नेक्स्ट आसला तुम 12 बाय 10 नेक्स्ट आसला तुम 48 बाय 10 ओके तो देखो यार मुझे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म रे इतिपे कन्वर्ट करनी कारण यार तुम एलसीएम गुड़ा मैंने एचसीएफ रे जितने नेबी सेति पे सुविधा हबो सेति पे मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म रे कन्वर्ट करनी कन्वर्ट करले भी किछ असुविधा नहीं ठीक अच्छे तो एबे देखो एरा कले केते आसीगला तुम या कौन करवा तो एलसीएम ऑफ न्यूमेरेटर तो एलसीएम ऑफ न्यूमेरेटर के 36 देन 12 देन 48 डिवाइडेड बाय कौन है गला ना डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ केते 10 10 10 एति के जाके काल की कंफ्यूजन नहीं एबे देखो 36 12 एंड 48 यारो एलसीएम तो मैं को भी मेथड रे काढ़ी पारो तो लेट सपोज एठी केते अछि ना हमरो डिवीजन मेथड रे मु कर दउछि ओके केते अछि 36 अछि देन 12 अछि देन 48 अछि तो तमरो कोथरे कैंसिल हबो 2 रे करछि 2 रे कले केते आसला तमरो 18 देन 6 देन आसला तुम्हारा 24 ओके नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन एटा 2 रे कैंसिल हबो 2 रे कले आसला तुम्हारा 9 देन आसला तुम्हारा ओके हाँ 2 रे कले आसला 9 देन एटा हे गला तुम्हारा केते हिजबो 3 देन एटा हे गला तुम्हारा 12 अगेन एटा को 3 रे करो 3 रे कले आसला तुम्हारा 3 1 4 एबे आउ कोथरे कैंसिल हबनी तो सिंपली ताकू मल्टीप्लाई कर दियो मल्टीप्लाई कले केते हिजबो ना तुम्हारा दिस विल गिव्स यू 144 ओके तो कोन हे गला हमरो एलसीएम ऑफ 36 12 एंड 48 रो केते आसला 144 डिवाइडेड बाय केते ना तमरो एटा 10 एचसीएफ ऑफ 10 10 10 तो तर एचसीएफ केते आसी गला ना 10 तो ताकु हमरो जेतु क्वेश्चन रे कोन थिला तमरो डेसिमल फॉर्म रे ताकु फ्रैक्शन रे रखबेनी डेसिमल रे कन्वर्ट कर देबा डेसिमल माने कोन ए गोटे जीरो अछि माने राइट हैंड साइड रो गोटे पर माने दशमिक पड़िबो तडे केते आसला ना तमरो 14.4 विल बी द आंसर क्लियर ना समस्ते कहारी किसी भी कन्फ्यूजन ना नेक्स्ट मेथड नंबर 2 तुम्हें कौटा भी करो ओके यहाँ होगा तुम मेथड 1 एवं डिस्कसन करवा मेथड नंबर 2 मेथड नंबर 2 रे कौन कर ना जोटा भी तुम कौन ना डेसिमालटा थी डेसिमालटा को तुम ट्राए कर कौन सी गोटे संख्या मल्टीप्लाई करी करना गोटे इंटीजर फॉर्म को आने इंटीजर बा नेचुरल नंबर फॉर्म को आने तो देख ये फॉर एग्जांपल ता माने कौन 3.6 धर जाऊँगी देख 3.6 रे जदि मुझ 10 टे मल्टीप्लाई करदे तो कौन ना ये मोर कौन कन्वर्ट हो 36 रे कन्वर्ट होके से भाया 1.2 को जदि मुझे डेसिमल उठेबा को चाहूँगी तो मुझे केते मल्टीप्लाई करी ना 10 मल्टीप्लाई करी तो 10 मल्टीप्लाई कले के आसगला तुम 12 सिमिलरली 4.8 रे जदि मुझे डेसिमल उठेबा को चाहूँगी तो एथिरे भी 10 मल्टीप्लाई कले एटा केते होगला तुम 48 तो सिंपली एबे कोन कर देबो ना एलसीएम पचार तो एलसीएम ऑफ 36 12 एंड 48 काट देबो तो देखो ये कला मैंने कौन आसा तुम यार एलसीएम एवं काढ़ल के आसला ना 144 किंतु देख ये छाड़देबनी जेहेतु आम ये 10 टे मल्टीप्लाई करूँ जोटा आम क्वेश्चन ना तो आम कौन ना मल्टीप्लाई करूँ मैंने कौन सिंपली डिवाइड भी करने को हम तो फाइनाल आंसर कौन लिख ना एलसीएम विल बी इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज इक्वल्स टू 14.4 इज द आंसर क्लियर ना बुझा पड़ा मेथड टू टा कह रही किसी कन्फ्यूजन नहीं गोटे क्वेश्चन टे दौर तुम दुटा जाक मेथड रे सॉल्व ट्राई कर सॉल्व करने तुम्हें सेम आंसर आस नहीं फॉर एग्जांपल एटी मुझे ये क्वेश्चन टा होमवर्क क्वेश्चन तुमको तो कौन अच्छी देख मैंने एलसीएम ओके एलसीएम काढ़ ओके एलसीएम ऑफ के ना 0.36 देन तुम 1.2 एंड 0.4
8 यार एलसीएम केते हबो समस्ते एडा कॉपी रे करनबो ओके एडा रहिला होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आजिरो क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट कोन पढिबा एबे जें के हम कोन कंप्लीट करलु हमें कंप्लीट करलु तमरो एचसीएफ एलसीएम नॉर्मल थिले केमति के काढिबो माने जस्ट संख्या देथिबो केमति के काढिबो नेक्स्ट तमरो कोन डिस्कशन करलु फ्रैक्शन थिले केमति के कढाबो देन कोन ना डेसिमल थिले केमति के कढाबो नेक्स्ट हमें कोन पढिबा ना तमरो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम कोन छि देखि दबा सेटा ही तुम देख कौन रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एलसीएम आउ धर जो तुम दीटा संख्या अच्छी धर जो ए गोटे संख्या हो गला आउ बी गोटे संख्या हो गला तो जदि आम ये कौन लिख पार्टी रिलेशन टा कौन ना एचसीएफ ऑफ ए बी इनटू एलसीएम ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू कौन हो ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो आम एर कनक्लूजन कौन ड्र कलु ना एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देख एटा मेनली ये स्टार मार्क करके समस्त लिखि नब क्या दिस रूल ये लिख दूची दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर टू नंबर जदि तुम दुटा नंबर ही दे थे तेब ही ए फर्मुलाटा कौन ना तुम ए रिलेशन टा तुम अप्लाई कर कौन ना तुम एचसीएफ एंड ए प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ओके क्लियर समस्ते या बेस गोटे एग्जाम्पल टे करदे फॉर एग्जाम्पल तुम क्वेश्चन धर जो गिवेन अच्छी कौन नाम तुम एलसीएम दे दी एलसीएम इक्वल्स टू 2079 नेक्स्ट एचसीएफ तुमको धर जो गिवेन अच्छी एचसीएफ दे दूची 27 एंड गोटे संख्या जदि धर जाओ ए गोटे संख्या हुए से संख्या जदि तुम 189 हुए देन बी रो वैल्यू केते हबो एबे आराम से काट दे पारिबो ना तो देखो बी रो वैल्यू कोन हि जीवो बी रो वैल्यू विल बी इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय केते ना ए करेक्ट तो एबे देखो वैल्यू पुट कर दियो केते आसला तुम 2079 इनटू एचसीएफ जगह रे लिखि परबी 27 डिवाइडेड बाय ए जगह रे आसला तुम 189 करेक्ट तो एबे देखो याकू जदी मु 3 रे कैंसिल कोची 3 रे कले एटा गला 6 3 एटा को 3 रे कले आसला तुम 9 अगेन एटा को 9 एठी आसला 7 तो याकू कले आसला तुम 7 रे कले एटा हि जीवो तुम 2 देन 9 देन 7 ओके तो कौन आसला ना सेकेंड नंबर टा केते आसला देन द वैल्यू ऑफ बी इज 297 क्लियर ना समस्ते कहारी किसी भी कन्फ्यूजन ए क्वेश्चन रे नेक्स्ट नेक्स्ट आम आ गोटे इंपोर्टेंट जिनस डिस्कसन करवा ए तुम मोस्टली क्वेश्चन बहुत सारा आए कौन देख ओके गोटे ब्लांक स्लाइड टे नौ तो ये देख धर जाओ तुम दुटा संख्या मुझे नौ फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए बुझाऊँ ओके धर जाओ तुम दुटा संख्या नेली मुझे कौन ना 12 आउ 18 ओके तो कौन ना 12 आउ 18 तुम एलसीएम आउ एचसीएफ काढ़ तो ये देख कौन ना 12 एंड 18 तो कौन हो गला तुम देख एटा कौन आसला ओके या टू रे कले आसला तुम 6 देन 9 अगेन या 3 रे कले केते आसला तुम एटा हो गला तुम 2 एंड 3 ये पर्यटन कहारी किसी कन्फ्यूजन ना तो ये देख एलसीएम कौन लिखिपारि एलसीएम इक्वल्स टू 2 × 3 × 2 × 3 करेक्ट नेक्स्ट देखो एचसीएफ कौन हो गला एचसीएफ इक्वल्स टू 2 × 3 क्लीयर ये जाके तो एथरो आम रिलेशन टा कौन बाहर तुम टी नोटिस करो कौन ना मुझे लिखिपर देख एलसीएम इक्वल्स टू कौन हो ना एचसीएफ इनटू कौन ना तुम प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर ता माने कौन है देखो फर्स्ट मत बुझे को प्राइम माने कौन को प्राइम माने तुम एमती दुटा संख्या रोज जहाँ भितर कौन ना कि भी कमन फैक्टर नथिबो इट मे बी प्राइम और कंपोजिट सेमती किसी भी नेसेसरी नहीं एगुटा तुम प्राइम नंबर ही हम 4 आउ 9 से गोटे तुम को प्राइम नंबर हम कारण 4 रेक सब फैक्टर अच्छी आउ 9 रेक फैक्टर अच्छी तरह कह रही किसी भी कमन नाई सो वी कैन से दैट दिस आर टू को प्राइम नंबर तो ये टी नोट कर तुम एलसीएम टा कौन है एति जाके 2 एंड एलसीएम टा मोर कौन बाहर
टू इंटु थ्री इंटु टू इंटु थ्री तो ये मुझे लिखिपरि देख यो टू इंटु थ्री टा ये तुम एच सी एफ सहित इक्वाल आज देख यो सब लास्ट जो दुटा नंबर रहा ना ये डेफिनेटली तुम एलसीएम जब काढ़ गोटे डेफिनेटली तुम को प्राइम ही मैंने कौन आसा तुम देख ये टू एंड थ्री होगा तुम को प्राइम तो मुझे कौन लिखिपरि ना एलसीएम इक्वल्स टू कौन हो प्रडक्ट अफ कहार कहार ना एच सी एफ एंड टू को प्राइम नंबर क्लीयर इंपोर्टां ये रिलेसन टा यहाँ गोटे समस्ते मन रखि था क्लीयर समस्ते कहारी किसी भी कन्फ्यूजन ना नेक्स्ट नेक्स्ट धर जो तुम यहाँ को कौन लिखे सिंप्लीफाई फॉर्म रे लिखले कौन आसा तुम एलसीएम इक्वल्स टू कौन ना एच सी एफ इंटु दुटा नंबर प्रडक्ट सहित सामान हम ए आउ बी दुटा नंबर जो गुड़ा कौन ना इजदर सहित को प्राइम होते क्लीयर समस्ते नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे रिभर्स केसटा करुँच रिभर्स केसटा मैंने कौन तुम धर जाऊ एलसीएम देदेगी क्वेश्चन एच सी एफ दे आउ कौन ना से तुमको क्वेश्चन में पचार दुटा 12 आउ 18 ताकू तुमको काढ़ ओके मैंने कौन तुमको क्वेश्चन से दे थर जाऊ तुम कौन ना एलसीएम ऑफ ओके आगुरी गोटे आ गोटे कनसेप्ट कर दूसरी ओके तो एबे टिके खाली ओके कौन ना आम एबे जैसे कौन पढ़िलु ना एलसीएम इक्वल्स टू एच सी एफ इंटु प्रडक्ट अफ टू को प्राइम लेट सपोज तुमको कौन ना एच सी एफ ओके कंटिन्यू करवा एलसीएम एच सी एफ दे से तुमको कौन कही दीटा संख्या बाहर कर बोली तो दीटा संख्या केमती कि काढ़ ना जदि धर जो तुमको कौन करवा थी क्वेश्चन टा कौन बुझा पड़ा ना समस्त को मैंने कौन एलसीएम तुमको क्वेश्चन गिवेन थी ओके गिवेन थी एंड तुमको कौन ना एच सी एफ भी गिवेन थी एच सी एफ भी तुमको क्वेश्चन गिवेन थी आउ कौन ना तुम ये दुटा को प्राइम नंबर गुड़ा कौन ना को प्राइम एगुड़ा भी तुमको क्वेश्चन गिभेन थी तुमको काढ़ कौन थी ना ये जो दुटा नंबर कौ दुटा नंबर हम बोली से तुमको क्वेश्चन में पचार क्लीयर तो से दुटा नंबर को कमती कि काढ़ तो कौन कर ना एच सी एफ इंटु ये लिखिदे स्टार मार्क करके कौन ना एच सी एफ सहित जदि फर्स्ट को प्राइम को फर्स्ट को प्राइम नंबर फर्स्ट को प्राइम नंबर को जदि मल्टीप्लाय कर तो तुम कौन ना फर्स्ट नंबर टा आसीब नेक्स्ट जदि तुम कौन ना एच सी एफ सहित जदि सेकेंड को प्राइम नंबर को सेकेंड को प्राइम नंबर को जदि मल्टीप्लाई करुछ सेकेंड को प्राइम नंबर को तो करुछ तो कौन ना तुम रिक्वायर्ड सेकेंड नंबर टा आसीब आई होप समस्त को किसी बुझा पड़ा तो एबे ताकु ए एग्जांपल टा को मुझे आउ थे करदे ओके तो लेट सपोज ये तुम क्वेश्चन टा कौन दे तुम धर जाऊ एच सी एफ अफ दुटा नंबर ए आउ बी धर जाऊ तुम ओके एमती करवा एच सी एफ अफ टू नंबर केते देछि ना तुमको सिक्स आउ क्वेश्चन कौन गिवेन अच्छी एलसीएम अफ टू नंबर से तुमको केते दे देछि ना एलसीएम दे देछि 36 देन क्वेश्चन एमती देथिबो देन फाइंड द टू नंबर्स क्लियर तो तुमको क्वेश्चन कौन गिवेन थी ओनली एच सी एफ गिवेन थी आउ एलसीएम गिवेन थी तुमको बाहर करार अच्छी दुटा नंबर एमती दुटा नंबर खोज जार कि तुम एच सी एफ हम सिक्स आउ एलसीएम हम 36 क्वेश्चन टा आई होप समस्त को बुझा पड़ा तो एबे देख आम कौन जानू जे आम एलसीएम एलसीएम इक्वल्स टू कौन हो जाए ये सल्यूशन टा ओके आम कौन जानू एलसीएम इक्वल्स टू कौन ना एच सी एफ इंटु कौन ना तुम प्रडक्ट अफ को प्राइम नंबर करेक्ट तो एबे देखो आम ए कौन बाहर कौन ना आम एलसीएम एलसीएम के 36 एच सी एफ के 6 लेट सपोज से दुटा को प्राइम नंबर कौन ना ए आउ बी दुटा नंबर नेली जो गुड़ा कौन ना तुम इच अदर सहित को प्राइम अटंती तो ये मुझे कौन लिखिपरि ए इंटु बी इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 6 हुई इज इक्वल्स टू 6 माने कौन मत एमती दुटा संख्या नाक हम फास्ट कंडीशन कौन ना तर प्रडक्टा 6 आसूब आउ कौन ना से इजदर सहित को प्राइम होते तो देख पसिबल कौन कौन हो पार जदि मुझ फास्ट कंडीशन टा ओनली नौ कौन ना दुटा संख्या को प्रडक्ट कले तार प्रडक्ट रेजल्ट के 6 आसब तो से पसिबल भैल्यू कौन हो पार आईदर ए इक्वल्स टू 1 हम और बी इक्वल्स टू 6 हम देन ओनली प्रडक्टा 6 आसो नेक्स्ट आउ कौन हो पारे ए इक्वल्स टू जदि मुझ 2 नहीं कि B इक्वल्स टू 3 निए यटा भी गोटे पसिबल हम ता बादे आउ किछि भी पसिबल नुहे बट टिके नोटिस करो कौन ना 1 एंड 6 आर नॉट को प्राइम टू इच अदर सो ये आमर कंडीशन फर्स्ट कंडीशन कौन थिला तुमरो ए एंड बी आर को
प्राइम करेक्ट तो ये कौन आम यो फर्स्ट कंडीशन टा अच्छी तो ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो गला जेहेतु वन आउ सिक्स इच अदर सहित तो को प्राइम नुहत तो फर्स्ट केस टा आम कैनसल हो गला। नेक्स्ट देख नेक्स्ट बचला कौन तुम ए रैल्यू के टू एंड बी रैल्यू नहीं पार्बा थ्री फर्स्ट कंडीशन तो सैटिस्फाई कर दीटा को मल्टीप्लाई कले सिक्स आसूसी आउ कौन ए ए एंड बी को प्राइम विथ इच अदर एति जाए क्लीयर तो आमको कौन एवं नंबर काढ़ तो डायरेक्ट फर्मुला पुट कले कौन आसो तुम देख ये नंबर तो फर्स्ट नंबर कौन आसा फर्स्ट नंबर कौन हो एच सी एफ इंटू फर्स्ट को प्राइम मान कौन ए एच सी एफ इंटू ए तो देख एच सी एफ के क्वेश्चन अलरेडी गिवेन अच्छी सिक्स इंटु ए जगार केट करी टू तो गोटे भैल्यू के ट्वेल्व आ गोटे सेकेंड नंबर केसगला तुम देख सेकेंड नंबर केसम एच सी एफ इंटु सेकेंड को प्राइम नंबर एच सी एफ के तुम एच सी एफ आसा तुम सिक्स इंटु सेकेंड को प्राइम नंबर हो गला थ्री हुई इज इक्वल्स टू एटीन तुम दुटा नंबर कौन कौन पाइल गोटे होगा ट्वेल्व आ गोटे होगा एटीन ए दुटा नंबर जार कि मुझे एच सी एफ काढ़े तो आसब सिक्स आदि एल सी एम काढ़े तो आसब थर्टी सिक्स क्लीयर ना आई होप पूरा जी ये बहुत ही इंपोर्टेंट है या उपरे बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा बस ये कन्सेप्ट एमती कि मन रखी था कौन ना फर्स्ट नंबर को मुझे कि काढ़ी फर्स्ट नंबर को मुझे काढ़ी कौन ना एच सी एफ सहित मुझ जो भी पेयर टा को प्राइम पेयर टा नहीं थी तार फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करी आउ एच सी एफ सहित सेकेंड नंबर टा को प्राइम टा को मल्टीप्लाई कले मोर सेकेंड नंबर टा आसी जीवो क्लीयर ना आई होप समस्त यहाँ पूरा डिटेल्स रे बुझा पड़ा कौटी जदि टिके भी किछी भी डाउट रही थाए आइदर तुम व्हाट्सएप ग्रुप रे पचारिबो अदरवाइज तुम कमेंट रे भी लिखि दबो मु एक्सप्लेन कर देबी क्लियर। नेक्स्ट मु करबा कोन ना ओके किछी क्वेश्चंस डिस्कशन करबा एतिकि थिला तमरो टोटल थ्योरी पार्ट एतिकि थ्योरी पार्ट रे तमरो एचसीएफ एलसीएम पूरा कंप्लीट हे गला तो एचसीएफ एलसीएम रो मेनली कंटेंट रे तमरो कोन कोन सब टॉपिक रहिला फर्स्ट आसीला तमरो फैक्टर कोन मल्टीपल कोन नंबर ऑफ फैक्टर्स केमति कि काढिबा नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑड फैक्टर प्राइम फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जितकी गुड़ा नंबर अच्छी से गुड़ा भितर को गुड़ा परफेक्ट स्क्वायर इतकी गुड़ा तुम गला कौन ना फैक्टर अंडर रे ओके फैक्टर अंडर रे आउ कौन कौन थी तुम सम आम डिस्कसन कर सारे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर डिस्कसन कर सारे एगुड़ा तुम सब गला फैक्टर अंडर रे। नेक्स्ट आम कौन कौन डिस्कसन कले नेक्स्ट डिस्कसन कले आम एच सी एफ आउ एल सी एम एच सी एफ एल सी एम रीटा जाक मेथड डिस्कसन करे गोटे है फैक्टराइजेशन मेथड भी डिजन मेथड भी तुम जो मेथडा भी कनभीनियंट तुम से मेथड एच सी एफ एल सी एम काढ़ तो फर्स्ट आम कौन शिखिले एच सी एफ एल सी एम अफ जो तुम नॉर्मल नंबर गुड़ा मैंने कौन जो गुड़ा रेशनाल नंबर नुहे से गुड़ा फ्राक्शन जो गुड़ा नुहे से गुड़ा कमी कि काढ़ा गोटे क्लास में शिखिले आज क्लास में कौन कौन पढ़ले आज क्लास में पढ़ले कौन ना एच सी एफ एल सी एम अफ जो तुम फ्राक्शनाल नंबर थे कमी बाहर करवा नेक्स्ट तुम कौन ना एच सी एफ एल सी एम जो तुम कौन ना डेसिमल नंबर कमी काढ़ा आउ एच सी एफ एल सी एम भितर रिलेशन एति तुम टोटल पूरा एच सी एफ एल सी एम कम्प्लीट हो गला या बाद गोटे भी बाहर क्वेश्चन आसबन एति पढ़ी बस बहुत सारा क्वेश्चन ए रिगार्डिंग प्रैक्टिस करले माने देखो थ्योरी पार्ट तो हम पढ़ी देले बस तार एप्लीकेशन करके क्वेश्चन सॉल्व कर दे हमरा एचसीएफ एलसीएम रो गोटे भी क्वेश्चन किछ बाहर आसीबनी ठीक अछि तो एबे किछ क्वेश्चन डिस्कशन आज अल्प क्वेश्चन करबा नेक्स्ट क्लास रे तमरा ओनली एचसीएफ एलसीएम रिगार्डिंग बहुत इंपोर्टेंट सब क्वेश्चंस आनिबे ओके तो एबे देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन से देखो व्हाट इज द एलसीएफ एचसीएफ ऑफ कोन ना ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी होल टू दि पावर 7 माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आम कौन जाचो एच सी एफ टा कौन कौन हुए जो टर्मटा तुम दुटा जाक नंबर कमन थाए से ही तुम एच सी एफ हुए ना तो मैंने कौन धर कौ भी दुटा संख्यार तुम जब एच सी एफ काढ़ु आम कौन करूँ तार जो गुड़ा सब कमन फैक्टर गुड़ा था सहीटा को आम कनसीडर करूँ एल सी एम सर आम सब कनसीडर करूँ बट एच सी एफ कौन जो कमन फैक्टर थाए ही कनसीडर करूँ तो ये देख आम कौन पॉलीनोमियल आसा तो या कमन नहीं ना के देख ए स्क्वायर b to the power 4 plus 2 a square b square तो या कमन ने के तुम देख ए स्क्वायर बी स्क्वायर कमन जीव तो यहाँ होगा तुम बी स्क्वायर प्लस 2 करेक्ट यहाँ आसगला तुम फर्स्ट नंबर टा ठीक अच्छे नेक्स्ट सेकंड नंबर टा कौन अच्छी तुम ए या डायरेक्ट खोल दूसरी तो कहते आसा ए टू दि पावर 7 बी टू दि पावर 7 माइनस 4 ए स्क्वायर बी टू दि पावर 9 तो ये केसला तुम कमन के देख ए स्क्वायर बी स्क्वायर कमन गला ए स्क्वायर बी स्क्वायर कमन गले के आसा ए टू दि पावर 5 बी टू दि पावर 5 माइनस 4
एटी ए स्क्वायर पड़ेगा तो आसला तुम बी टू दि पावर सेवेन। तो देख दीटा जाक ये जब तुम हो फर्स्ट संख्याटा यहाँ तुम सेकेंड संख्याटा दुटा भितर कमन के तुम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कमन अच्छी तो जोटा कमन थी से तुम एच सी एफ हुए तो एच सी एफ अफ दिस टू पॉलीनोमियल के आसला ना ए स्क्वायर इंटु बी स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर वन करेक्ट आंसर कौन होगा ना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे तुम जस्ट सेकेंड या ठीक करदे क्वेश्चन समस्त को भिजिबल है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू कौन दी देख द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48। ओके नेक्स्ट कौन दी द नंबर आर इन द रेशियो कौन ना टू इज टू थ्री देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर। से दुटा नंबर फर्स्ट आम काढ़ देन कौन करवा ना आम सम काढ़ ठीक अच्छे। तो आमको क्वेश्चन कौन गिवेन अच्छी एलसीएम एलसीएम के तुम 48 दुटा नंबर धर जाओ तुम फर्स्ट नंबरटा हो 2x एंड सेकेंड नंबरटा होते ना तुम 3x करेक्ट। तो आम कौन कर एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x रो तो ये कमनटा अच्छे के तुम एक्स जो बाहर को बाहर 2 एंड 3 रो एलसीएम के 6 तो ये तुम एलसीएम ऑफ 2x आउ 3x रो के आसला ना 6x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन अच्छे तुम लिखिपर देख 6x इक्वल्स टू 48 कहार किसी कन्फ्यूजन ना। नेक्ट एथिरु एक्स रैल्यू केस रैल्यू आसला 48 डिवाइडेड बाय 6 व्हिच इज इक्वल्स टू 8 करेक्ट। नेक्स्ट एबे हम कोन करबा फर्स्ट नंबर टा मोर केते थिला ना 2x एठी 2 इनटू x जगह रे मु केते लिखिबी 8 तो एटा केते आसला ना तमरो 2 एटा आसला 16। सेकंड नंबर कोन अछि सेकंड नंबर अछि 3x कले केते आसला 3 इनटू x जगह रे केते पुट करबी 8 तो एटा केते आसला ना तमरो 24। तो दुटा नंबर आसला गोटे नंबर है 16 आ गोटे नंबर है 24 जहाँ कि तुम कौन ना एलसीएम हो 48 आउ से दुटा कौन ना इच अदर सहित 2:3 रेसीयो अच्छा कि क्वेश्चन कौन पचार ना सम तो सम के सम इक्वल्स टू 16 × 24 व्हिच इज इक्वल्स टू 40 तो कौटी अच्छे देख। सो क्वेश्चन नंबर टू ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी देखा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कौन अच्छे देख द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 8 एंड 48 रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर इज 24 देन द अदर नंबर इज पूरा सहजिया क्वेश्चन टे कर नब ना आराम से। ओके कर दूसरी मुझे कौन अच्छे तुम देख एचसीएफ क्वेश्चन गिवेन अच्छी एचसीएफ के 8 एलसीएम हो गला तुम 48 गोटे नंबर मैंने ए होगा तुम 24 क्वेश्चन ने पचार वैल्यू के हम तो बी इक्वल्स टू कौन हो एचसीएफ इनटू एलसीएम डिवाइडेड बाय ए तो कौन आसला 8 इनटू 48 डिवाइडेड बाय 24 टू रे कैनसल हो तो कैसे आसला 16 विल बी द आंसर कौटी अच्छे देख। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी देख ओके क्वेश्चन कौन दी बढ़िया क्वेश्चन टे कौन देख इफ एक्स इक्वल्स टू एच सी एफ एंड वाई इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ कहार 3/5 6/25 एंड 9/20 एंड ओके 9/20 एंड 27/50 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मेनली आमको जो ऑप्शन से आमको कौन पचार एक्स और वाई भितर रिलेशन कौन हम फर्स्ट आम एक्स और वाई वैल्यू काट दबा तो कौन अच्छे देख एक्स इक्वल्स टू कौन हो ना तुम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच सी एफ कहार कहार ना 3/5 देन 6/25 देन आसला 9/20 देन आसला 27/50 करेक्ट। तो आम एच सी एफ काटले कौन आसला एच सी एफ ऑफ कहार कहार 3/6/9/27 डिवाइडेड बाय कौन हो ना तुम एलसीएम ऑफ 5/25 देन आसला 20 देन आसला 50 करेक्ट। तो यार कले के तुम यहाँ उपरटा एच सी एफ उपरटा कौन ना हाँ एच सी एफ के तुम 3 नेक्स्ट यार एलसीएम के यार एलसीएम सबुटा 100 तो यहाँ के आसला ना तुम 100 तो एक्स रैल्यू के आसला ना 3/100 एवं कौन ना वाई रैल्यू कौन थी ना एलसीएम ऑफ पूरा डायरेक्ट कर दूसरी एलसीएम ऑफ कौन हो 3/6/9/27 डिवाइडेड बाय कौन ना एच सी एफ ऑफ 5/25 नेक्स्ट आसला 20 देन 50 करेक्ट। तो या कले के तुम या कले एटा एलसीएम हो 54 डिवाइडेड बाय एटा आसला तुम एच सी एफ कले आसला
फाइव क्लीयर। तो आमको एवं कौन कर एक्स आउ वाई भितर रिलेशनशिप स्टाब्लीश करार अच्छी। तो मुझे कौन करुच्ची ना एक्स डिवाइडेड बाय वाई करदे। ओके एक्स बै वाई कले के तुम देख थ्री बै हंड्रेड इंटू फाइव बै फिफ्टी फोर करेक्ट। तो ये केसला तुम यहाँगला तुम ट्वेंटी देन एटा कले आसला तुम वन देन एट। ओके एटीन आसला ठीक अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आसला तुम देख एक्स बै वाई इक्वल्स टू वन बै थ्री सिक्सटी करेक्ट। तो एबे टिके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो। क्रॉस मल्टीप्लाई कले कौन आसला तुम देख वाई इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी एक्स। ओके तुम एक्स आ वाई भितर रिलेशन कौन है वाई इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी एक्स कौटी अच्छे देख। सो क्वेश्चन नंबर फोर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ना बुझा पड़ा समस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन तुम देखिए देख क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कौन दे द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ कहार ना फोर बै सेवेन फाइव बै फोर्टीन एंड थ्री बै थर्टी फाइव। सहजिया क्वेश्चन टे क्वेश्चन नंबर फाइव तुम्हारों होमवर्क रहा यहाँ समस्ते करके यार आंसर मत कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिकी जनइब के आसला। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आम डिस्कसन करवा। ओके नेक्स्ट कौन आसला तुम देख इफ ए इक्वल्स टू एच सी एफ अफ थ्री बै फाइव एंड नाइन बै सिक्सटीन एंड बी इक्वल्स टू एल सी एम अफ सिक्स बै सरी सिक्सटीन बै फाइव डिवाइडेड बै फोर बै ट्वेंटी फाइव देन द वैल्यू अफ ए प्लस बी के हम यहाँ भी सहजिया क्वेश्चन छाड़ दूँ तुम्हारों जदि जोटा भी न हुए ना मतलब डेफिनेटली लिखिकी जन अदरवैज मुझे कमी जानवी जो तुम है कि नहीं ठीक अच्छे। जोटा भी न हो कमेंट सेक्शन में लिखिकी जन मैम यहाँ है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन टाक सल्व करी देन आपको आम पढ़ा ठीक अच्छे। एवं नेक्स्ट मुझ क्वेश्चन को मुव करुच्ची क्वेश्चन नंबर सेवेन। क्वेश्चन नंबर सेवेन आ गोटे ओके यहाँ आसला टी इम्पोर्टाट क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो देख ए टाइप्स क्वेश्चन गुड़ाक केमती के आप्रोच कर कौन दी तुम देख द फाइंड द एच सी एफ अफ थ्री टू दि पावर फोर्टी फाइव माइनस वन एंड थ्री टू दि पावर थर्टी फाइव माइनस वन ए टाइप्स क्वेश्चन गुड़ाक केमती सल्व कर। फर्स्ट नोटिस कर तुम समथिंग जदि तुम कौन ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म रे अच्छी कि नहीं तुम कौन ना मैंने कौन सी गोटे बेस अच्छी और पावर माइनस वन अच्छी कि नहीं जदि माइनस वन थी एवं जो फर्मूलाटा कह डायरेक्ट अप्लाई कर जदि माइनस वन नाक फर्स्ट माइनस वन मैंने कौन समथिंग मैंने ए बाय बी टू दि पावर माइनस वन फर्म को आनबो देन एटा अप्लाई कर ठीक अच्छे। तो देख या कमी सल्व कर ना सिंपली किसी करवा ना तो कौन कर ना एच सी एफ अफ जोटा पावर रे थी पावर यार के फोर्टी फाइव यार पावर के तुम थर्टी फाइव तो कौन आसला तुम फोर्टी फाइव आउ थर्टी फाइव रुमें कौन ना एच सी एफ नहीं नब एच सी एफ ने आसला तुम देख फाइव तो सिंपली देख यार भी बेस रे थ्री अच्छी यार भी बेस रे थ्री अच्छी तो कौन ना तुम फाइनाल आंसर कौन हो ना थ्री टू दि पावर बेस एज इट इज पावर कौन हम ना एच सी एफ अफ फोर्टी फाइव आउ थर्टी फाइव रो कौन आसला ना थ्री टू दि पावर फाइव ये कौ सैन अच्छी ना माइनस सैन अच्छी तो ये भी आम दे माइनस सैन कौ क्वांटीटा नेक्स्ट माइनस ना वन तो ये लिखिदेल वन एटा आसीगला तुम फाइनल आंसर ठीक अच्छे। तो थ्री टू दि पावर फाइव के तुम टू फोर्टी थ्री करेक्ट टू फोर्टी थ्री माइनस वन ठीक अच्छे। तो ये केसला ना टू फोर्टी टू विल बी द आंसर। तो कौन आसला क्वेश्चन नंबर सेवेन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ना समस्त को बुझा पड़ा यही आप्रोचटा ओनली आप्लिकेबल के हम ना तुम जी धर जाओ ए टू दि पावर बी फॉर्म रे अच्छी आउ कौन ना विथ माइनस वन थाउ कि प्लस वन थाउ जोटा थे भी किसी असुविधा नहीं माइनस वन कि प्लस वन थे से अकॉर्डिंगली ये भी सी ऑपरेशन टा माइनस वन कर प्लस वन थे प्लस वन कर। क्लियर ना कहीं किसी भी कन्फ्यूजन ना। नेक्स्ट ए बेसीस आउ गोटे क्वेश्चन टे दौले ए क्वेश्चन समस्ते निजे कर कौन अच्छी तुम देख द लार्जेस्ट नंबर मैंने कौन आसला सिंपली एच सी एफ द लार्जेस्ट नंबर ह्विच डिवाइड्स बोथ टू टू दि पावर थर्टी फाइव माइनस वन एंड टू टू दि पावर नाइंटी वन माइनस वन। तो ये समस्ते कौन नब ना बस यार भी आंसर पूरा जमीती थी प्रिवियस क्वेश्चन टा पूरा एक्जाक्टली से क्वेश्चन टा बस ये तुम बेस रे थी थ्री एटे तुम बेस रे अच्छे टू। क्लीयर ना नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को मुव करवा क्वेश्चन नंबर नाइन। तो ये टी नोटिस कर देख से ही टाइप्स भी क्वेश्चन अच्छी बेस अच्छी पावर अच्छी किंतु मुझे कौन कहती फर्स्ट कंडीशन ही तुम सब के माइनस वन कि प्लस वन रु आम के माइनस नाइन अच्छी तो फर्स्ट आम कम कौन रहा या आम कनवर्ट करवा कौन ना माइनस वन। तो देख माइनस वन कनवर्ट करने मत के कमन ने हम नाइन कमन ने हम तो कैसे आसला तुम देख थ्री टू दि पावर ट्वेंटी नाइन माइनस या नाइन को मुझे लिखिपरि थ्री र स्क्वायर
तो कैसे होगा तुम थ्री टू दि पावर टू जदि कमन जाए तो आसला थ्री टू दि पावर 27 माइनस 1 करेक्ट। नेक्स्ट या को भी सही कन्वर्ट करवा तो कैसे अच्छी थ्री टू दि पावर 38 माइनस 9 को लिखुच थ्री स्क्वायर तो कैसे आसला थ्री टू दि पावर 2 और यहाँ होगा तुम थ्री टू दि पावर 36 माइनस 1 एति जाके क्लियर समस्ते। नेक्स्ट नेक्स्ट आमको कौन काढ़िया था ना HCF ऑफ एटार तो कौन हो ना HCF इक्वल्स टू जोटा फर्स्ट कॉमन टर्म अच्छी फर्स्ट ताको लिखी दियो तो कैसे अच्छे कॉमन टर्म देखो थ्री रो स्क्वायर बहुत जगह अच्छी। नेक्स्ट नेक्स्ट कहार काढ़िबार अच्छी ना HCF ऑफ बाकी जितकी पार्टा रहीगला के थ्री टू दि पावर 27 माइनस 1 एंड थ्री टू दि पावर 36 माइनस 1 सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर के तुम यहाँ था 7 हाँ क्वेश्चन नंबर 7 जमी थी एक्जाक्टली से आप्रोच रे रोज तो ये आसला तुम देख थ्री रो स्क्वायर एज इट इज एथे तुम कौन ना HCF ऑफ के 27 एंड 36 HCF गल ये तुम 9 तो कौन हो गला ना 3 टू दि पावर 9 कौ सैन अच्छी माइनस सैन तो ये कौ सैन पुट करवा माइनस सैन प्लस सॉरी माइनस साइन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वांटिटी 1 तो माइनस साइन सॉरी 3 टू दि पावर 9 माइनस 1 क्लियर ना कहीं किसी कन्फ्यूजन ना तो या को ओपन कर दियो तो कैसे आसला 3 टू दि पावर 11 माइनस 9 करेक्ट तो तुम कौन आसला ना HCF ऑफ 3 टू दि पावर 29 माइनस 1 एंड 3 टू दि पावर 38 माइनस सॉरी कौन आसला तुम फाइनल आंसर HCF ऑफ 3 टू दि पावर 29 माइनस 9 एंड 3 टू दि पावर 38 माइनस 9 इक्वल्स टू 3 टू दि पावर 11 माइनस 9 क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आज लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कौन ना तुम पॉलिनोमियल उपरे क्वेश्चन अच्छी पॉलिनोमियल कौन देसी देखो व्हाट इज द HCF ऑफ पॉलिनोमियल कौन ना x टू दि पावर 4 माइनस 1 आउ कौन अच्छी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 एंड एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स ओके कौ टर्म टा कमन अच्छी बस से काढ़ीदे आम प्रॉब्लम सॉल्व हो गला कमन टर्म टाइम सब कौन ना HCF ही था तो ये देख फर्स्ट कौन नहीं तुम एक्स टू दि पावर 4 माइनस 1 तो या को लिखिपारि एक्स स्क्वायर रो होल स्क्वायर माइनस 1 तो ये आसला एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटु मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मूला पुट कली तो कौन आसला एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये कले के आसला एक्स माइनस 1 इंटु एक्स प्लस 1 करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म टा कौन अच्छी तुम एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 टी भल कि देख ला कह फर्मूलाटा तुम अच्छी ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर ये जी मुझे लिखुची 3a स्क्वायर बी माइनस 3 ये जी मुझे स्क्वायर लिखुची देख या को टे रिअरेंज कर दूसरी हच पचे गला कौन ना एक्स क्यू माइनस 3x इंटु 1 प्लस 3 इंटु 1 रो स्क्वायर इंटु एक्स माइनस 1 रो क्यूब कह फर्मूला देख ए क्यू माइनस 3a ये स्क्वायर अच्छी 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू ये कह फर्मूला ए माइनस बी रो होल क्यू रो फर्मूला तो ये आसला ना एक्स माइनस 1 रो होल क्यू क्लीयर ये जाके। नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट टर्म टा कौन अच्छी ना तुम एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स तो देख एथर मुझे कमन नहीं पारि एक्स कमन के आसला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो ये कौन आसला तुम देख एक्स इंटु एक्स माइनस 1 रो होल स्क्वायर तो देख एटा फर्स्ट टर्म टा आसला तुम एटा सेकेंड टा आसला एक्स माइनस 1 रो होल क्यू थर्ड टर्म आसला तुम एक्स इंटु एक्स माइनस 1 रो होल स्क्वायर तो ये आम कौन ना HCF काढ़ तो HCF कौन हो जो टर्म टा तुम सबुठी कमन थाए तो देख ए तुम अच्छी एक्स माइनस 1 टर्म टा अच्छी एथी भी तुम एक्स माइनस 1 टर्म टे अच्छी आठी भी तुम एक्स माइनस 1 टर्म टे अच्छी तो HCF के गला ना एक्स माइनस 1 इज द आंसर तो कौन हो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर ना समस्त बुझा पड़ा ये तुम HCF और LCM जितकी सब थ्योरी पार्ट थी सब कम्प्लीट हो गला एवं सब गुड़ाक समस्ते थे रिभाइज करदे जितकी भी प्रीवियस क्लास गुड़ा था आउ थे समस्ते तो नोट्स तो बन ही सब गुड़ाक आउ थे रिविजन करदेव नेक्स्ट क्लास में आम कौन करवा या उपरे बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कसन करवा ठीक अच्छे आज क्लास ये कम्प्लीट है।